Hello everyone, welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we shall solve some question of R.S. Agrawal math book class 10 exercise 4b, right? Question number 1, find the discriminant of each of the following questions, right? हमें discriminant इसमें find करना है equation का. देखिए question भी given है, आप देख सकते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स 0, राइट. इस तरह से हम 1 का जो 7 क्वेश्चंस गिवन है, 6 क्वेश्चन गिवन है, वो 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट. और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो हम लोग अभी जानेंगे. देखिए डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, तो कैपिटल डी इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है. लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है कि जो हमारा एबीसी है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ग्रेटर जीरो और इक्वल जीरो होना चाहिए, ठीक है. डेट मीन्स जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फाइंड करके आएगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए या तो फिर बराबर होना चाहिए, ठीक है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि किस तरह से इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक ना. लेट्स स्टार्ट. 2x स्क्वायर क्वेश्चन पहले जो है उसको हम राइट डाउन करेंगे. हमारा क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. हियर a इक्वल क्या है, a इक्वल टू एंड b इक्वल v इक्वल माइनस 7 एंड c इक्वल 6, राइट. अब हमें जो फॉर्मूला है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम राइट डाउन करेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो इसको निकाला जाता है इसी तरह से, ठीक है. तो देखिए बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है, माइनस 7, तो माइनस 7 पे स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई, सी का वैल्यू क्या है 6. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस 7 पे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा. जो माइनस का साइन है वो प्लस हो जाता है, कैसे, जो देखिए रफ वर्क. माइनस 7 पे स्क्वायर का मतलब है माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 7, ठीक है. तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है. और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49, ठीक. तो इसको हम 49 लिखेंगे. कोई भी नंबर अगर माइनस में है, उस पे स्क्वायर है, तो आप उसको बेहिचक प्लस कर दीजिए. अगर माइनस में है और उसका क्यू निकालने के लिए कह रहा है तो आप उसको माइनस कंसीडर करेंगे, ठीक है. अब देखिए यहाँ माइनस है और 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 48, राइट. दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1. दिस इज द आंसर, राइट स्टूडेंट्स. लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर
माइनस टू एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ हम कंसीडर करेंगे ए इक्वल थ्री, बी इक्वल माइनस टू एंड सी इक्वल एट। अब हमारा जो डी का फॉर्मूला होता है डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। राइट, तो बी स्क्वायर क्या है, यहाँ हमारा बी स्क्वायर है माइनस टू बी स्क्वायर, और माइनस का साइन माइनस फोर मल्टीप्लाई ए का वैल्यू थ्री और सी का वैल्यू एट। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए माइनस टू पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फोर हो जाएगा और यहाँ माइनस है। उसके बाद देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री करेंगे तो ट्वेल्व, और ट्वेल्व मल्टीप्लाई एट कर ट्वेल्व मल्टीप्लाई एट करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन्टी सिक्स, तो इक्वल क्या हो जाएगा नाइन्टी टू। दिस इज द आंसर। राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन का थ्री। राइट, तो थ्री क्वेश्चन नंबर गिवेन है टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव रूट टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। राइट, ए इक्वल यहाँ क्या है ए इक्वल टू, बी इक्वल माइनस फाइव रूट टू। राइट, माइनस फाइव रूट टू इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, और सी इक्वल क्या है फोर। फॉर्मूला क्या होता था डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, तो बी का वैल्यू टू है टू पे स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू क्या है सॉरी यहाँ बी का वैल्यू है माइनस फाइव रूट टू, ठीक है, तो देखिए यहाँ बी का वैल्यू हम लिखेंगे माइनस फाइव रूट टू पे स्क्वायर इक्वल फोर, और ए का वैल्यू है टू और सी का वैल्यू एट, ठीक है, तो देखिए माइनस फाइव रूट टू के स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फाइव पे स्क्वायर करेंगे तो ट्वेंटी फाइव, और रूट टू पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट जो है वो कट जाएगा सिर्फ टू बचेगा, तो ट्वेंटी फाइव इंटू टू तो फिफ्टी, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा फिफ्टी। राइट, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, इसको जब आप करेंगे माइनस फाइव रूट टू पे स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा फिफ्टी इक्वल, यहाँ माइनस है माइनस देंगे हम, और फोर टू जाए एट और एट फोर जा थर्टी टू। दैट स्टूडेंट्स, फिफ्टी में माइनस थर्टी टू करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एटीन। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो। राइट, हेयर ए इक्वल्स रूट थ्री एंड बी इक्वल टू रूट टू एंड सी इक्वल माइनस टू रूट थ्री। राइट स्टूडेंट्स, डी इक्वल क्या होता था डी फोर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। राइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जितने बार सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लिखते जाएंगे तब आपको फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है, तो देखिए बी का वैल्यू क्या दिया है टू रूट टू पी स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू क्या है रूट थ्री और सी का वैल्यू है माइनस टू रूट थ्री। राइट स्टूडेंट्स, तो देखिए ये क्या हो जाएगा टू रूट टू पे स्क्वायर, डेट मीन्स रूट टू पे स्क्वायर फोर
टू पे स्क्वायर फोर और रूट टू पे स्क्वायर करेंगे तो ये टू बचेगा, तो फोर टू जा एट माइनस, उसी तरह से ये रूट थ्री और ये रूट थ्री दोनों थ्री हो जाएगा, तो थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई फोर, तो ये कितना हो जाएगा 24, और प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 24, इसको ऐड कर देंगे 32, दिस इज द आंसर। लेट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद देखिए x से मल्टीप्लाई ये दोनों में होगा 2x माइनस वन, और माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस वन, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई माइनस वन में तो यहाँ हो जाएगा माइनस x, उसी तरह से माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है 2x, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस वन मल्टीप्लाई वन, वन इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जो 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स ये ऐड होगा, और जो साइन है वो बड़ी वाली वैल्यू का साइन कंसीडर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वन। ए इक्वल यहाँ क्या है, ए इक्वल टू एंड बी इक्वल माइनस थ्री एंड सी इक्वल वन, राइट। डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट स्टूडेंट्स, इसी पे पुट करना है। देखिए b का वैल्यू है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री पे स्क्वायर माइनस फोर, ए का वैल्यू टू और c का वैल्यू वन, माइनस थ्री पे स्क्वायर करेंगे तो ये नाइन प्लस में होगा, और माइनस फोर मल्टीप्लाई टू तो एट, कितना हो जाएगा आंसर वन, दिस इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स, इक्वेशन है इसलिए हमें इक्वल में जीरो करना है, ठीक है, तो वन माइनस एक्स ये इक्वल्स के बाद है, तो पहले लाएंगे तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर को हम आगे लाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, राइट। माइनस हटाने के लिए आप माइनस हटा भी सकते हैं या नहीं भी हटा सकते हैं, तो मैं यहाँ हटा देती हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, राइट स्टूडेंट्स। ए इक्वल टू, बी इक्वल वन एंड सी इक्वल माइनस वन, राइट। तो देखिए डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमारा फॉर्मूला है, है ना, तो b का स्क्वायर वन पे स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का वैल्यू टू है और c का वैल्यू माइनस वन है, ठीक है। तो देखिए जब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस, और यह माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, फोर टू जा एट, तो यहाँ आंसर कितना होगा नाइन, दिस इज द आंसर, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टू क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द एग्जिस्ट बाय द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ रूट्स
हमें फाइंड आउट करना है और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।